भाई आज ऊबर इंटरसिटी से पहुंच गए पंजाब से बाहर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाइयों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। और सबको भाई हैप्पी नवरात्रे, नवरात्रे चल रहे हैं। तो भाई आज फिर से एक खुशी का दिन है। तो सुबह सुबह भाई ऊबर में इंटरसिटी बज गई और इंटरसिटी भी बजी कहाँ की भाई, नैना देवी मंदिर की जो हिमाचल में है। कल मैं गया था मनसा देवी और नेक्स्ट डे आज जा रहा हूँ नैना देवी। तो ऊबर ने पहली ही राइड नैना देवी मंदिर की दी और कल भी पहली राइड पर्सनल बुकिंग थी मनसा देवी की, आज ऊबर में मिली है नैना देवी टेम्पल की हिमाचल में जो है। तो मैया का बहुत बहुत शुक्राना है कि कल भी अपने पास बुलाया, दर्शन कराया, आज ही मैया ने नैना देवी बुला लिया दर्शन के लिए। कस्टमर को तो हमने कर दिया ड्रॉप, वो अपना जा चुके हैं माथा टेकने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो राइड आई थी वो इतनी जल्दी में थी, जैसे घर से निकला राइड बच पड़ी और मैं फटाफट कस्टमर को पिक करने चला गया, फिर रास्ते में बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग शूट करने का। फिलहाल अभी मैं नैना देवी पहुँच चुका हूँ, कस्टमर अपना निकल गया माथा टेकने के लिए। जस्ट अब मैं भी यहाँ से गाड़ी साइड में लगा दिया है, देखता हूँ यहाँ से कितनी दूर है, हम भी जाके दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी कोशिश करेंगे दर्शन कराने की, ठीक है। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी शो हो जाएगी। और बाकी जो इसका कितनी मेरी गाड़ी चली और क्या फेयर रहने वाला है, वो मैं आपको व्लॉग के एंड में या बीच में कहीं भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है भाई, के ऊपर ने मुझे क्या फेयर दिया, क्या मेरा खर्चा आया, कितनी गाड़ी चली और क्या गैस और क्या पेट्रोल, जो कुछ भी लगा सब कुछ आपको बता दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया, चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित सिंह ब्लॉग 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, कैसे हो? तो भाई आप देख सकते हैं जिन कस्टमर को हम लेके आए थे वो तो जा चुके हैं भाई ऊपर दर्शन के लिए, और मैं भी अब दस चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। और ये सीढ़ियाँ हैं और वो ऊपर आप देख सकते हैं वो माता का भवन है। बस थोड़ा सा रास्ता और रह गया, फिर हम भी पहुँच जाएँगे माता के भवन और वहाँ चल कर करेंगे फटाफट दर्शन, ठीक है भाई। चढ़ाई को करते हैं फटाफट ख़त्म और पहुंचते हैं माता के दरबार, फिर वहां पहुंचकर करता हूं मैं बाकी की बातें आपसे। कर लो भाई दर्शन, पहुंचने वाले मंदिर के अंदर, वो सामने मुख्य द्वार है मंदिर का, वो भीड़ आप देख सकते हैं मेरे आगे भी और पीछे भी कितनी भीड़ है। चलते हैं फटाफट अंदर, करते हैं दर्शन और आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर से माँ का भवन कैसा बना हुआ है। दोस्तों वो देख सकते हैं सामने माता जी का भवन है, माता जी के भवन के पास पहुंच गए हैं और जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। फटाफट करते हैं दर्शन और फिर आके बाहर आपसे करता हूं बात और दिखाता हूं आपको भाई कैसा माहौल है बाहर, आसपास की पहाड़ियां भी दिखाऊंगा आपको। और अब देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ है, ठीक है, चलते हैं फटाफट अंदर दर्शन करते हैं, फिर बाकी की बातें आपसे बाहर आकर ही होंगी। हाँ जी दोस्तों, फाइनली मैया के दरबार से माथा टेक कर बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं भाई भीड़ कितनी है। और बस अब हम जा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी के पास ही, क्योंकि कस्टमर का भी फ़ोन आ चुका है, वो माथा टेक के बाहर आ चुके हैं। और जय माता दी सबको कहता हूँ मैं आपको, सभी लोगों को, और आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ माता रानी की कृपा आप लोगों के जीवन में भी बरसे, ठीक है भाई। ये बाहर जाने का रास्ता है, हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर और फटाफट चलते हैं गाड़ी के पास, क्योंकि हमारे कस्टमर वहाँ पहुँच चुके हैं। और बाकी का अपडेट मैं आपको अब गाड़ी में पहुँच कर यहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पहुँच कर ही करूँगा, ठीक है, पहले फटाफट चलते हैं गाड़ी के पास।
भी मित्रों कर लो दर्शन श्री आनंदपुर साहब जी ते नैना देवी तुम पहुँच गए आप आनंदपुर साहब। कस्टमर कहते भाई हमने आनंदपुर साहब ही माथा टेकना है, तो उन्होंने जो राइड लेके आया था उबर की उसके अंदर अपना स्टॉप ऐड कर दिया, तो आगे आनंदपुर साहब जा रहे हैं अंदर मत्था टेकने के लिए। और आप लोग भी भाग्यशाली हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, आज उन्होंने नैना देवी के भी दर्शन किए और आज आनंदपुर साहब के भी। ठीक है, चलते हैं अंदर फटाफट, करते हैं दर्शन और फिर करता हूँ मैं आपको आगे का अपडेट। कैसे हो सब लोग? तो भाई फाइनली श्री आनंदपुर साहब गुरुद्वारा साहब से मत्था टेक कर हम आ चुके हैं बाहर और सीधा जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। वो पीछे कस्टमर आ रहे हैं मेरे जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट और वो उनका बेटा जिन्होंने सर पर रुमाल बांध रखा है वो मेरे कस्टमर है, और मैं आगे चल रहा हूँ। और ये आपको आगे का भी नज़र आ रहा होगा, हम ये सीधा पार्किंग की तरफ जा रहे हैं सामने। ठीक है भाई, अब यहाँ से कहीं नहीं रुकना, सीधा लुधियाने जाना है। बाकी अब देखते हैं, यहाँ से लुधियाने का रास्ता दिखा रहा है, कम से कम 1.5 से 2.25 घंटे का दिखा रहा है। तो चलते हैं फटाफट लुधियाना, लुधियाना पहुँच कर कस्टमर को ड्रॉप कर कर फिर बाकी की बातें मैं आपसे वहीं पर करूँगा। आज हमारा कितना खर्चा आया, क्या हमें फेयर मिला और क्या हमारी बचत निकली। ठीक है, चलते हैं फटाफट लुधियाना, करेंगे आपको वहीं पहुँच कर अपडेट। देख लो भाई दोस्तों, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, सारा रास्ता क्रॉस कराए, 60 किलोमीटर रह गया था यहाँ से। और भाई किसानों ने लगा दिया धरना, पूरा लगा हुआ है जाम यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक। और ये पीछे भी देख सकते हो भाई, पूरा जाम, मतलब अब सब लोग परेशान हो रहे हैं, बुरे हालात हो चुके हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। और इधर से जाने वाला भी रास्ता बंद है और उधर से ये आने वाला रास्ता ये भी बंद है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं भाई अब जाम से कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे घर पहुँचते हैं, घर पहुँच कर ही अपडेट कर पाऊँगा। हम यहाँ पे वेट करने के अलावा और कोई हल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से फंस चुके हैं, पीछे भी रास्ता बंद हो चुका है, आगे भी। पता नहीं भाई यार किसानों की क्या प्रॉब्लम है भाई, समझ से बाहर है। ठीक है यार, इनका सपोर्ट करते हैं हम लोग भी, पर कम से कम परेशान तो ना करें। अब कितने लोग परेशान हो रहे हैं, इन लोगों की क्या गलती है बताइए। चलो वेट करते हैं और देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं घर, जब भी घर पहुँचूँगा करूँगा आपको अपडेट। हाँ जी गाइस, कैसे हैं? तो भाई फाइनली लुधियाना पहुंच चुके हैं और टाइम करूँ बताऊँ तो 8:51 हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। उसका कारण आपको पता ही है, रास्ते में दिखाया था भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था, तो उसके चक्कर में 2 घंटे हो गए लेट। 6 बजे पहुँचना था, पहुँचे हैं 8:51 पे। पैसेंजर को मैंने कर दिया है ड्रॉप उनके घर पर, और अब मेरा घर यहाँ से ज़्यादा 0.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है, क्योंकि सुबह राइड मुझे घर के बिल्कुल पास से ही आई थी। तो आज हम गए भाई नैना देवी, नैना देवी से आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब से सीधा लुधियाना। ठीक है भाई, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा महामाई की कृपा से, महामाई की कृपा ऐसी ही बनी रहे मेरे पर भी और सबके ऊपर भी, सब दिल लगा के मेहनत से काम करें तो भगवान रास्ता खुद ब खुद निकालता जाएगा, दिखाता जाएगा। ठीक है, अच्छे बुरे पल हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर हिम्मत मत छोड़िए भाई, यही चीज़ कहूँगा। और ड्राइविंग लाइन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा सबसे प्यार से बात करिए और प्यार से पेश आइए। अब ये कस्टमर थे, ये मेरे प्राइवेट पर्सनल, समझ लीजिए कि पर्सनल नंबर ले गए मेरे से कि भैया अब कहीं भी जाना होगा हम आपको ही फ़ोन करेंगे। चलो अच्छी बात है, तो अब कस्टमर को कर दे ड्रॉप, मैं भी जा रहा हूँ घर क्योंकि थक बहुत ज़्यादा चुका हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि सुबह 6 बजे को उठा हूँ और रोज डुबा की ड्यूटी जो यही है, सेम 6 बजे उठना पड़ता है। और अब भी सोच रहा हूँ कि भाई हमारा क्या खर्चा आया और हमने कस्टमर से क्या फेयर चार्ज किया और हमारी क्या बचत निकली। जो कुछ भी भैया सब कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आराम से देख लेना कि हमारी कितने की गैस लगी, क्या हमारा स्टेट टैक्स लगा, क्या हमारे टोल लगे और क्या हमें बचत निकल के आई। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, यहीं करते एंड। आपसे मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग पर, तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए जल्दी से चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।